ये है पीटीवी नेटवर्क। आप देख रहे हैं पीटीवी ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन ग्लोबल इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम मेल मुलाकात में मैं हूं आपका मेजबान हामून रशीद और मेरे साथ हैं सोनिया जीशान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? और जनाब, पाकिस्तान में तो वीकेंड शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टाइमिंग चल रही होगी। क्यों जी, कहीं वीकेंड करीब करीब होगा और कहीं थोड़ा सा दूर होगा, लेकिन आने वाला ही होगा। क्या ख्याल है हमू? नहीं ख्याल क्या यार, हकीकत है। हकीकत है ना, थोड़ा सा इंतजार, चंद और घंटों के बाद फिर वीकेंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप घर आएंगे, चिल करेंगे और हमारा प्रोग्राम देखेंगे, जो कि कल फिर रिपीट भी होगा। और जनाब, हमारे प्रोग्राम की रौनक आप लोग, यानी हमारे व्यूअर्स, और हमारे व्यूअर्स हमारा इस प्रोग्राम में कैसे साथ देते हैं? साथ देते हैं अपने, जब आपकी भी पार्टिसिपेशन हो जाती है, फोन कॉल्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए, और हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है जब हमें त्वातर से ईमेल्स मिलती हैं जिसमें लाइकिंग का इजहार तो होता है मगर जो हमारी कमजोरियां हैं उससे भी हमें आगाह किया जाता है। और जो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं और उनके लिए भी हम आपको फोन नंबर्स भी बता देते हैं जाके आप फोन कॉल कर सके हमें, और अगर आप ईमेल करना चाहें तो आपको ईमेल एड्रेस भी सोनिया बता देती हैं। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे वो फोन नंबर्स जो कि यकीनन अब तक आपको जबानी याद हो चुके होंगे, जिन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जुबानी बताइएगा नंबर। अच्छा, मैं जुबानी बताती हूँ, 0092519258917। यस, जीत गई। जी हाँ, फिर से 0092519258917। अच्छा, ठीक बोला? बिल्कुल ठीक बोला, जैसे मुझे याद है ना। और अगर आपने हमें ईमेल करनी है तो उसके लिए हमारा एड्रेस है mail.mulaqat@ptv.com.pk। और अगर आपने हमें मेल करनी है तो mail.mulaqat@ptv.com.pk। लेकिन प्लीज, आप जब भी हमें मेल करें, मैं हर दफा कहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी बहुत सी फरमाइशें होती हैं जो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपकी फरमाइशों को पूरा करें, लेकिन इसके साथ हमारी एक छोटी सी हमारी भी फरमाइश होती है, प्लीज हमारी तारीफ जरूर किया करें। हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट अप हो जाता है और हम और शौक से और खुशी से इस प्रोग्राम का तैयारी करते हैं। जब आप खुशी की बात कर रही हैं तो नाज़रीन, एक ऐसा वीक चल रहा है कि जिसमें पाकिस्तान और चाइना की जो एक दोस्ती है और टाइम टेस्टेड दोस्ती है, उसको भी 60 बरस बीत चुके हैं। 21 मई 1950 से जो एक दोस्ती की लाजवाब दास्तान शुरू होती है, हर कड़े वक्त में चाइना ने हमारा साथ दिया, मगर जब हम देखते हैं कि इस दोस्ती में चाइना जो पूरी दुनिया से आइसोलेटेड था और पूरी दुनिया के साथ, खासकर जो उस दोस्ती के कदम में मावनत जिसने की वो पाकिस्तान था, हमारी शेयरिंग जिंदगी के हर तकरीबन जितने भी आपके मामलात होते हैं उसमें रही है। ये बात सिर्फ मिलिट्री एड तक नहीं है, अगर हम बात करते हैं जैसे कितनी खूबसूरत सरजमीन हमारे पाकिस्तान के, हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो अगर आप शाहराए काराकोरम को देखते हैं तो पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप की सबसे लाजवाल, अगर आप कोई नमूना देखना चाहते हैं तो शाहराए काराकोरम है। दुनिया के जो 14,000 मीटर से अबव 8 पीक्स में से 5 तो पाकिस्तान में है और इसी सबब तो ये हमारे लिए आसानी हुई है कि हम वहाँ पर जा सकते हैं। फिर अगर हम देखते हैं ग्वादर की सूरत में, एक ऐसा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का और एक ऐसी ज़रूरत है पाकिस्तान और चाइना की मिलकर, कि जिसके ज़रिए हम सब की दुआ है कि वो अपनी अमली तौर पे इस पे काम भी शुरू हो जाए। तो सोनिया, विल यू बिलीव इट, कहा यह जाता है कि अगर 5 ईयर्स ऑपरेटिव होता है ग्वादर तो आपके बजट जो है पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट से उठाया जा सकता है। और आप मुझे बता रही थी कि आपको एक ईमेल भी इसी हवाले से, बिल्कुल हमें इसी हवाले से ईमेल भी मिली है जो कि मैं शेयर करती चलूं। हसन मुर्तजा यूके से लिखते हैं, पीटीवी ग्लोबल पर पाक चीन दोस्ती के प्रोग्राम देखकर बहुत खुशी होती है। मैं भी चीन में रह चुका हूं, वहां की आवाम भी पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करती है, ये देखकर दिल से दुआ निकलती है कि ये दोस्ती हमेशा कायम और दायम रहे। मेरी ख्वाहिश है कि चीन की डॉक्यूमेंट्री ज्यादा दिखाएं।
तो जनाब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, 60 साल की माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान चाइना की ये जो दोस्ती है, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। और कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, और वाकई चाइना वो दोस्त है जिसने कभी किसी मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं छोड़ा बल्कि हमारा साथ हमेशा दिया है, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो एजुकेशनल सपोर्ट हो। और माशाल्लाह हमारे बहुत से पाकिस्तानी चाइना में तालीम हासिल कर रहे हैं और उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो रहे हैं और फिर वापस आकर अपने वतन अजीज में उसी टेक्नोलॉजी से वतन को फायदा पहुंचा रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी इन चाइनीज, नी हाओ पाकिस्तान वमन चाइना हाउ फंग यू। जी हाँ, पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं और अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान चाइना की दोस्ती इसी तरह कायम दायम रहे और नजरबद से बची रहे। और जहां तक नहीं बात कीजिएगा, जितनी खूबसूरती से इन्होंने चाइनीज जबान के लफ्ज बोले हैं उतनी खूबसूरत से ये चाइनीज डिशेस भी बनाती हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले शो में आप हमारे लिए कोई चाइनीज डिशेस लेकर आएंगे। जी जरूर, हम उनको हम चाइनीज डिशेस जरूर टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट ही करवाएंगे, खानी है मैंने। और उसके बाद हम उन बताएंगे कि वो कैसी बनी थी। अच्छा, इसके ऊपर एक शेयर करना चाहूंगा, हमारे मुल्क के एक मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब एक बहुत बड़ा नाम है। और जैसे मैं अभी शराय कार्यक्रम की बात कर रहा था तो हमारी अक्सर जो नई जनरेशन है और उसने जाकर एक्सप्लोर किया अगर इस काराकोरम के जरिए मुख्तलिफ इलाकों को तो उनकी बुक्स पढ़ पढ़ के। तो जब वो चाइना, जैसे अभी सोनिया बात करी थी पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप के हवाले से, तो एक डेलीगेट को जब पाकिस्तान से उन्होंने इन्वाइट किया राइटर्स और पोइट्स को, तो उसमें वो उनका भी वहाँ पर जाने का इतफाक हुआ। तो कहने लगे कि जब वहाँ पर हमारे सामने खाने का और चाइना में जब खाने के कोर्स आते हैं तो एक कोर्स नहीं होता सोनिया, बिल्कुल बहुत से कोर्सेज होते हैं। तो जितने भी कोर्सेज खाने के आए तो उनको देख के उन्हें एहसास हुआ कि जो चाइनीज खाना हम पाकिस्तान में खाते हैं वो कुछ और ही खाना है और जो उनके सामने था वो कुछ और ही खाना है। कहने लगे कि वहाँ पर जो हमारे होस्ट थे और जो उनकी तरफ से प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, तो कहने लगे हाँ जब मैं पाकिस्तान में था तो लाहौर में मुझे भी पाकिस्तानी चाइनीज खाने का इत्तेफाक हुआ। You know, their food is not that spicy. बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और काफी जो स्पाइसेस हैं वो कम यूज करते हैं। क्यों? लेकिन चाइना में एक इलाका है शिनचान जो कि मुस्लिम उनका एक सूबा है जहाँ पे चाइनीज मुसलमान आबाद हैं और वो बहुत जबरदस्त डिशेस बनाते हैं चाइनीज, और उसमें होती हैं थोड़ी कहते हैं लादा, जो लादा यानी मिर्चों से भरपूर। अच्छा। उसमें वो स्पाइसेस ऐड करते हैं या फिर सिचुआन जो है वो एरिया जो है वहां से हमारे जो पाकिस्तान में टेस्ट आ रहा है ना उसमें हम थोड़ा सा देसी तड़का लगा के। अच्छा। क्योंकि वैसे अदरवाइज वो जो है ना बहुत लाइट जो है खाना पसंद करते हैं और इतनी मिर्चें नहीं लेते, और वो जब हमें देखते हैं कि हम इतनी मिर्चें खा रहे हैं तो परेशान से हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल मुसलमानों को मिर्चें अच्छी लगती हैं, इसीलिए शायद शिनचान वाले भी मिर्चों का अच्छा, बहुत इस्तेमाल करते हैं मिर्चें। हम इस पे भी गुफ्तगू करेंगे इस वक्त हमारे साथ फोन कॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी आदिल बोल रहा हूं स्पेन से। जी आदिल कैसे हैं आप? नो आबिद। आबिद कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक बिल्कुल। आबिद कैसा लग रहा है आपको मेल मुलाकात में आपकी कॉल मिली, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेल मुलाकात बहुत अच्छा लगता है, हर वीकेंड को देखते हैं। और कैसा है स्पेन में यार वेदर कैसा है? यहाँ तो गर्मी की शिद्दत नाकाबले बर्दाश्त हो रही है। गर्मी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है तो अभी होगी या थोड़ी बहुत। अच्छा, वैसे भी यूरोप में मेरे ख्याल से स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर निस्बतन दूसरे ममालिक के थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है। जी तो क्या करते हैं आप वहाँ पे? कुछ भी छोटा मोटा काम ही करते हैं जॉब पर। तो पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी पाकिस्तान गुजरात। अच्छा, गुजरात से आपका ताल्लुक है। गुजरात की एक कसीर तादाद जो है वो स्पेन में है वहाँ पे, ऐसे ही है ना? जी जी तकरीबन सारा गुजरात ही है। हाँ कहते हैं कि वो वक्त भी करीब है जब स्पेन में एक शहर का नाम भी होगा गुजरात, ऐसा ही है ना? जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या भाइयों को या अपने जो अहले वतन है उनको कुछ? बस आपके लिए सलाम और फरमाइश कर सकते हैं? अरे जरूर फरमाइश कीजिए, आपका अपना प्रोग्राम है, कीजिए। क्या क्या सुनना चाहेंगे आप? मलकू का सॉन्ग प्ले कर सकते हैं चिकना बाबू। कौन सा गाना मलकू का? चिकना बाबू। चिकना बाबू हम हमारे जो प्रोड्यूसर है उन्होंने सुन लिया पैनल पे और देखते हैं अगर लिस्ट में है हमारे पास तो आज दिखा देंगे, तो अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे आपको जरूर। थैंक यू आबिद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया।
अच्छा वो मैं जो आपसे कह रहा था ना कि हमें जो अक्सर कॉल्स आती हैं स्पेन से आती हैं, बार्सिलोना से आती हैं, तो बिल्कुल पूछे तो कहाँ से ताल्लुक है? गुजरात से। गुजरात से बिल्कुल। और आपने बड़े मजे की बात की कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहां पे भी एक गुजराती हाँ वो मजे की बात थी कि आप खाने की बातें कर रही थी तो मेरी जबान पे ना वैसे ही वो मजा आने लग पड़ा बिल्कुल। था। और हामून मैं आपके साथ एक बड़े मजे की बात शेयर करूँ कि जब हम चाइना जाते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो वो वाकई जो इज्जत हमें चाइना में मिलती है, जो हमारे चाइनीज दोस्त हमें बहसियत पाकिस्तानी इज्जत देते हैं और दिल खुश हो जाता है, और वो इतना फॉलो करते हैं पाकिस्तान को कि मैडम नूरजहां का नाम, अच्छा नुसरत फतेह अली का नाम, उनको जो मतलब उनकी जरा बुजुर्ग जेनरेशन है। मैं जा रही थी वहां पे एक सड़क पे, तो एक साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसी पाकिस्तानी मुल्क की लगती हो, किसी कहाँ पाकिस्तानी की? मुल्क हाँ की मतलब लगती है? हमारे लिबास अच्छा से ना। इस हाँ ठीक है। तो मैंने कहा जी, उन्हें कहा मैंने कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो कहते हैं अच्छा, मैडम नूर जहान का मैं, और वो कराची भी आ चुके हैं, वो इस्लामाबाद भी आ चुके हैं। वो लोग जाते हैं जब हज उमरा करने, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान से होते हुए जाएं, अच्छा तो इतनी उनकी गहरी मैं मोहब्बत है। क्यों ना हो, और मैं तुम्हें कहती पता है हूँ गहरी मोहब्बत से मुझे क्या याद आया, एक पाकिस्तानी मूवी थी गुलाम-ए-दीन साहब और बाबा शेर की, बिल्कुल, क्या नाम था उसका? मेरा नाम है मेरा नाम मोहब्बत। है मोहब्बत, और वो चाइना में बहुत सिनेमाज में चली है। नहीं बहुत नहीं चली, इस हद तक चली कि वहां पर जो है ना उनके स्टेच्यूज बनाए गए। अच्छा, हाँ, बाबरा शरीफ और मैहद्दीन का, अपने जो गुलाम गुलाम-ए-दीन मुहिद्दीन साहब के। के, और उसका म्यूजिक और मूवी वहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा तो उसने वहाँ पर बिजनेस किया था। एनीवेज नाज़रीन, दोस्ती और एक ऐसा लाजवाब रिश्ता होता है, और इस मुश्किल हालात में जैसे कि सोनिया बात कर रही थी और मेरे प्रोड्यूसर की मेरे कान में आवाज़ आई एक कॉल, एक कॉल। देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी सोनिया। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं तानिया बात कर रही हूँ स्पेन से। जी सोनिया भाई तानिया, बात कर। वेलकम टू द प्रोग्राम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी पहली दफा कॉल मिली आपके प्रोग्राम में। हमारा नहीं, आपका अपना प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, आप और हमून भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक थैंक यू, यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी स्पेन में अच्छा कब से हैं? जी मैं तकरीबन 1.5 साल से हूँ स्पेन डेढ़ में। साल से हैं। और पाकिस्तान कब जी आना है, चक्कर लगना है कब? जी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, यानी गर्मियां जी पाकिस्तान में गुजारेंगी? जी गर्मियों का भी बिल्कुल, अपना ही मजा होता है ना, आम और पेड़ पाकिस्तान में इधर तो आम भी नहीं मिलते। आम भी नहीं मिलते, और पाकिस्तानी आमों जी का वो टेस्ट है कि वो कहीं और मिलता भी नहीं है। बिल्कुल यही बात है, तो सबसे ज्यादा ये है कि पाकिस्तान में अपने होते हैं ना, इसलिए। हाँ ये तो है। बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी अपने होते हैं, और आप भी तो जी हमारे वहाँ पर सफीर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी जी कोई बिल्कुल। फरमाइश है आपकी, कुछ कहना चाहें? क्योंकि जब आप वतन से दूर बैठते हैं ना तब आपको अपने वतन से प्यार और उसकी अहमियत का एहसास होता है। कैसा लगता है पाकिस्तान के बारे में वहाँ जाके? पाकिस्तान, पाकिस्तान की तो क्या बात है, पाकिस्तान के बारे में मैं क्या क्या कहूँ, पाकिस्तान वतन से ही जिंदाबाद मेरे कहें। पास। मैंने जी क्या कहा कह रहे पाकिस्तान हैं? जिंदाबाद कहें ऊंची आवाज में। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। ये चीज मैं भी कहता हूँ, पाकिस्तान और जिंदाबाद। हमून भाई से बात करनी थी, जी, आपको क्या शेर व शायरी से बहुत शौक है? शगफ तो है मुझे मगर कभी हिम्मत नहीं नहीं, की। आपका मैंने वो ड्रामा देखा था ना, उस वक्त मैं अभी पाकिस्तान में थी, अच्छा उस अच्छा समय शायद अच्छा अनमैरिड थी, एंड अच्छा इश्क, उसमें आप फराह खान के साथ बहुत शेर बोला करते थे ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अरे आपने क्या याद दिला दिया। जी चले उससे रिलेटेड एक वाकया भी है, फिर हम आपको सुनाएंगे इस फोन कॉल के बाद। तो जी 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 कोई उस फरमाइश? नहीं ऐसी फरमाइश तो कोई भी नहीं है, कोई अच्छा सा गाना प्ले कर दे नुसरत फतेह अली खान का। आज जी ऐसा है जी कि आज हमारे प्रोग्राम में जी बहुत ही